नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम टैक्सेशन और ऑडिटिंग बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड का दूसरा अपना ई लेक्चर आज अपन प्रारंभ कर रहे हैं। पहले वाले जो व्याख्यान में अपन ने केवल सामान्य परिचय जीएसटी का देखा, आज के इस व्याख्यान का जो पार्ट वन है वो इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस जीएसटी के अंतर्गत जो होती हैं उनके बारे में अपन आज के इस व्याख्यान में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो माल एवं सेवा कर कानून है जो कि एक विस्तृत कानून है, इस कानून के अंतर्गत बहुत सी ऐसी मदें, ऐसी टर्म्स, ऐसे शब्द आएंगे जिनके बारे में अगर अपने को जानकारी नहीं हो तो अपन आगे भ्रमित हो सकते हैं, आगे आने वाले प्रावधानों को समझने में हमारे को परेशानी हो सकती है। इसलिए इस एक्ट के अंतर्गत जो बहुत से टर्म्स या मदें आई हैं, जो बहुत से कुछ शब्द आएंगे, उनका अपन विस्तृत रूप से जो है वो कुछ उनका अर्थ जो है वो अपन पहले समझ लेंगे, तो आगे हमारे को आगे के जो अध्याय हैं जिनमें बहुत से जीएसटी से संबंधित प्रावधान आपको पढ़ने पड़ेंगे तो वो आप आसानी से समझ जाएं। ये आज के अपने इस जो है लेक्चर का जो है वो मकसद है कि आपको उन डेफिनेशंस के बारे में जानकारी दी जाए। जब एक पंजीकृत जो करदाता है वो माल को क्रेता को या उपयोग करने वाले को सुपुर्द करता है तो उस बिल के अंदर उसे सुपुर्दगी का पता और क्रेता का पता लिखना होता है। सुपुर्दगी का पता यानी एड्रेस ऑफ डिलीवरी का मतलब यह है कि वह स्थान जहां पर माल या सेवा की आपूर्ति की जाएगी। सिंपल बात है कि कहां पर माल या सेवा की आपूर्ति की जानी है उसका उल्लेख उस बिल के अंदर होना चाहिए। जो टैक्स इनवॉइस होता है जिसमें टैक्स जुड़ के जाता है उसमें क्रेता का भी उल्लेख होता है, उसका पता यानी एड्रेस जो है वो भी उसमें होना चाहिए और उसका स्थान जो है वो भी होना चाहिए कि कहां किस स्थान पर आपूर्ति की जाएगी। जैसे मान लीजिए जयपुर का व्यापारी उदयपुर के व्यापारी को माल सुपुर्द करता है तो वो सुपुर्दगी की जगह कहाँ है, वो जयपुर में सुपुर्दगी देगा, जोधपुर में सुपुर्दगी देगा या अन्य किसी स्थान पर इसकी सुपुर्दगी देगा, इसका उल्लेख टैक्स इनवॉइस में होगा और साथ ही क्रेता का जो पता है वो भी लिखा जाएगा। ऐसे एक नाम आता है अभिकर्ता, एजेंट। एजेंट से क्या आशय है, अपन एक बात को जानते हैं, एजेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने मालिक प्रधान जो जिसको कहते हैं प्रिंसिपल होता है उसके निर्देश अनुसार काम करता है। यानी ये एक ऐसा व्यक्ति होता है या एक ऐसा दलाल या कमीशन एजेंट या नीलामकर्ता, डेल क्रेडिट एजेंट या अन्य कोई ऐसा व्यापारिक एजेंट होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर यानी ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, अनदर पर्सन जो है वो वस्तु या सेवा की आपूर्ति करता है। इस कार्य करने के बदले वो कमीशन लेता है। जिस व्यक्ति यानी जिस अन्य व्यक्ति के नाम पर वो काम करता है उस अन्य व्यक्ति को प्रधान या प्रिंसिपल कहा जाता है। जब हम आगे के चैप्टर्स में जब अपन इसका अध्ययन करेंगे जीएसटी का तो अभिकर्ता यानी एजेंट का कई बार प्रयोग करना पड़ेगा, तो अपने को यही समझ लेना है कि ये एक एजेंट ऐसा व्यक्ति होता है जो कि प्रधान यानी जो मुख्य जो व्यक्ति होता है जिसके नाम से वो काम करता है तो उसको तो हम प्रधान कहते हैं और प्रधान का कार्य वो एक तरह से करता है, उसके बदले कमीशन लेता है, तो ये अभी करता हुआ। इसके बाद में देखिए आप आगे एक शब्द आता है एग्रीगेट टर्नओवर और एग्रीगेट सप्लाई।
सकल विक्रय या सकल आपूर्ति। ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। देखिए क्या होता है कि जब जीएसटी के अंतर्गत पंजीयन किया जाता है, हम कह सकते हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति पंजीकृत नहीं होता था उसके वो जीएसटी का पेमेंट नहीं होता है। तो जब एक व्यवसायी होता है उसका जीएसटी में पंजीयन कब करवाया जाएगा, इसके अंदर समय समय पर परिवर्तन भी होते रहते हैं। लेकिन जैसे अभी 10 लाख या 20 लाख या 40 लाख ऐसे टर्नओवर की लिमिट है एक व्यवसायी की, वर्ष भर के अंदर 10 लाख रुपये, 20 लाख रुपये या 40 लाख रुपये अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अगर कुल आपूर्ति करता है तो उसको जीएसटी में पंजीयन करा आराम से करता। ये जो सीमा है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख की, यह मिलाकर के आपूर्ति को हम एग्रीगेट टर्नओवर कहते हैं। तो ये सकल विक्रय या सकल आपूर्ति जो है वो आपको जानकारी होना जरूरी है। यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत थी कि जैसे अपने कहा कि टैक्स जो होता है वो तो करयोग्य वस्तुओं के ऊपर ही लगता है, कर्मुक्त वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर की परिभाषा में सभी प्रकार की आपूर्ति को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वह आपूर्ति करयोग्य वस्तुओं की हो, चाहे करमुक्त वस्तुओं की हो, चाहे राज्य के भीतर हो, चाहे राज्य के बाहर हो, चाहे उसमें निर्यात बिक्री भी हो, उन सभी प्रकार की बिक्री या आपूर्तियों का जोड़ जो होता है वो सकल विक्रय की परिभाषा में आता है। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जेम्प्ट टर्नओवर या टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई प्लस एक्सपोर्ट सप्लाई। लेकिन इस प्रकार की जो आपूर्ति करयोग्य करमुक्त या एक्सपोर्ट सप्लाई का जोड़ तो हम करते हैं, लेकिन कभी भी इस प्रकार की आपूर्ति के अंदर जो टैक्स यानी जीएसटी को इंक्लूड नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार का सेस या सरचार्ज को शामिल नहीं किया जाता। ये ध्यान रखने की बात, ये कोई भी उपकर सम्मिलित उसमें नहीं हो, कोई भी कर इसमें सम्मिलित नहीं हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक शब्द आता है कृषक, एग्रीकल्चरिस्ट। ये कृषक शब्द जो होता है कि सिंपल भाषा में कह सकते हैं किसान, लेकिन किसान यानी कृषक की परिभाषा होनी चाहिए। हर कोई कह देगा कि मैं किसान हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। तो कृषक की परिभाषा में क्या सम्मिलित किया जाता है, कृषक एक ऐसा व्यक्ति या एचयूएफ जो स्वयं अपने श्रम से, स्वयं अपने या अपने परिवार के श्रम से या स्वयं या परिवार के निरीक्षण में रोकड़ या अन्य किसी वस्तु में दे मजदूरी के बदले फसल उत्पन्न करता है, फसल का उत्पादन करता है, तो उसे कृषक कहा जाता है। और अगर कृषक ने अपनी कोई आपूर्ति की है फसल की, तो उसके ऊपर कर दे नहीं होता है, वो कर मुक्त होता है, उस पर जीएसटी नहीं लगती है। इसलिए कृषक की परिभाषा अपने को होनी चाहिए। तो अपने ध्यान रखें, स्वयं के या परिवार के श्रम से या वो अपने निरीक्षण में कोई मजदूरी पर भी काम करवाते हैं तो वो कृषक की परिभाषा में आते हैं। नेक्स्ट है कर निर्धारण, असेसमेंट शब्द। असेसमेंट का यहाँ अभिप्राय ये है कि जीएसटी के अंतर्गत एक पंजीकृत जो करदाता होता है उसके द्वारा जितना कर दायित्व बनता है, जितना कर दायित्व बनता है उस कर दायित्व का पूरा हिसाब वो अपनी ओर से प्रकट करता है। तो वो एक रिटर्न फाइल करता है, रिटर्न फाइल करने के बाद में उसके ऊपर असेसमेंट होता है। तो एक अगर उसका जो पूरा हिसाब किताब जो है वो एक निश्चित अवधि के बाद कितना उसका ऊपर कर दायित्व उत्पन्न हुआ उसका हिसाब किताब प्रकट करना जो है उसको अपन कर निर्धारण कहते हैं। ऐसा कर निर्धारण के कई रूप हो सकते हैं, जैसे इसमें सेल्फ असेसमेंट है, स्वयं के द्वारा कर निर्धारण करना, एक प्रोविजनल असेसमेंट अस्थाई कर निर्धारण करना, समरी असेसमेंट यानी सारांश कर निर्धारण करना, बेस्ट असेसमेंट असेसमेंट सर्वोत्तम कर निर्धारण करना, इन सभी प्रकार के कर निर्धारण किसी अलग अलग सिचुएशन या परिस्थिति के अनुसार ये कर निर्धारण किए जाते हैं, जिनका अध्ययन हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे विस्तृत रूप से। लेकिन आपको फिलहाल पता होना चाहिए कि असेसमेंट क्या चीज़ होती है, कर का निर्धारण करना, कर के दायित्व का निर्धारण करना एक निश्चित अवधि के बाद
समय समय पर रिटर्न फाइल की जाती है, तो उस रिटर्न को फाइल करने के बाद यानी विवरणियों को फाइल करने के बाद उसका असेसमेंट होता है, और ये कार्य जो है वो एक निश्चित अंतराल के बाद किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऑडिटिंग शब्द यानी अंकेक्षण किसे कहते हैं? तो अंकेक्षण जो होता है वो यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि एक व्यवसायी जो होता है उसके बहुत से बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी लेखे होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, खाता बहियाँ होती हैं, जिनमें वो अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, लिखता है और वो अपने जाते हैं वही खाते बनाता है। तो ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसके बाद में वो विवरणी फाइल करता है, रिटर्न फाइल करता है टैक्स के संबंध में अथॉरिटीज के सामने कि ये मेरा हिसाब किताब है, वो विवरणी फाइल करता है। उसके बाद अलावा बहुत से ऐसे सप्लीमेंट्री सहायक एविडेंस के रूप में डॉक्यूमेंट पेश करता है, उनको हम प्रलेख कहते हैं। तो ऐसे प्रलेखों की जो उसने तो पेश कर दिए लेकिन फिर उनकी जांच की जाती है एक निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा, विधान के द्वारा निर्मित जो नियुक्त व्यक्ति के द्वारा उसकी जांच की जाती है, और रजिस्टर्ड व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न नियमों के अंतर्गत जो जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए गए हैं उनकी जांच की जाती है। तो ये जांच करना एक अंकेक्षण की परिभाषा में आता है। इसी तरीके से उसके द्वारा जितनी भी घोषित आपूर्ति आवर्त है, उसके द्वारा जो चुकाए गए कर हैं, उनकी जो कर की वापसी है के दावे हैं, और उसके द्वारा ली गई आदान कर जमा की संबंध में जो सूचना है, इनकी सब की जो शुद्धता को वेरीफाई करना यानी उसको सत्यापित करने का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। एक बहुत बड़ा विस्तृत कार्य हो गया ये ऑडिटिंग से संबंधित कार्य, केवल न केवल उसके ट्रांजैक्शन के व्यवहारों की जांच है, उसके अलावा उसके द्वारा फाइल की गई रिटर्न यानी विवरणी के अलावा उसके द्वारा दिए गए चुकाए गए कर, उसके द्वारा जो कर की आदान कर जमाने इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके द्वारा ली गई कर वापसी, इन सभी प्रकार की जो जो बातें हैं इनकी वैधता, उनकी जो सत्यता, उसकी जांच करने का कार्य अंकेक्षण के अंतर्गत किया जाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न रहे। नेक्स्ट, व्यवसाय का अर्थ, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? अब अपन एक साधारण बात कहते हैं, बिजनेस का एक साधारण अर्थ होता है कि भाई कोई भी माल या वस्तु या सेवा का आदान प्रदान करना व्यवसाय कहलाता है। एक सिंपल सी परिभाषा होती है, उसका उद्देश्य साधारण रूप से हमने सीखा कि उसका उद्देश्य लाभार्जन करना होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि लाभ कमाना उसके उद्देश्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एक सबसे पहली सिंपल सी व्यवसाय की परिभाषा, व्यवसाय का अर्थ में क्या लेते हैं कि कोई भी ऐसा व्यापार या वाणिज्य, कोई निर्माण, पेशा, व्यवसाय या साहस, ठीक है, या अन्य ऐसी भी कोई क्रिया जिसका उद्देश्य लाभ कमाना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार से जो आपने अभी जैसे इसमें ए पार्ट में अपने लिया, इस ए जो वाक्यांश है इसमें अपने देखा, ऐसी इस ए वाक्यांश की कोई भी सहायक क्रिया जो होती है उसको भी अपन व्यवसाय की परिभाषा में लेते हैं। इसी प्रकार से जो ए की प्रकृति वाली है, इसकी सहायक क्रिया की जो जो क्वांटिटी होती है या जो उसकी निरंतर आवृत्ति में जो निरंतरता या नियमितता हो या नहीं हो, यानी उपर्युक्त ए की प्रकृति वाली कोई भी ऐसी क्रिया चाहे उसकी आवृत्ति या मात्रा है उसमें निरंतरता हो या नहीं है, तो भी वो व्यवसाय की भाषा में उसको लेते हैं। अभी अपन ने जो ए और बी कहा, ए के अंतर्गत तो आपको बताया गया निर्माण है, क्रय विक्रय है या कोई साहस उद्यम ऐसा है, तो वो क्रिया हो गई। बी में उसकी सहायक क्रिया हो गई। ऐसी मुख्य क्रिया या सहायक क्रिया जो है उसकी निरंतरता कोई जरूरी नहीं है कि वो निरंतर हो, वो कभी कभार भी होती है तो भी व्यवसाय की परिभाषा में आती है। इसी प्रकार से किसी भी व्यवसाय के प्रारंभ या अंत की जो क्रिया है वो भी क्रय विक्रय की उसकी व्यवसाय की भाषा में आ जाते हैं। ऐसी में और ऐसी परिभाषा के अंतर्गत जो पूंजीगत माल जिसको कैपिटल गुड्स होता है ना, उसका क्रय विक्रय भी व्यवसाय की भाषा में आते हैं,
ये जरूरी नहीं होती कि माल का ही क्रय विक्रय किया जाता है। पूंजीगत माल खरीदा या पूंजीगत माल का विक्रय किया कब? व्यवसाय के शुरू करने के लिए, व्यवसाय का अंत की क्रिया करने के लिए भी कोई पूंजीगत माल बेच दिया गया तो वो भी व्यवसाय की परिभाषा में आता है। इसके अलावा कोई क्लब है, सहकारी समिति है, या संघ है, या कोई ऐसी भी अन्य संस्था है जो चंदा या फीस लेकर के अपने सदस्यों को कोई लाभ प्रदान करता है या सदस्यों के हित के लिए कोई कार्य करता है, तो उनको कोई सुविधाएं देता है, तो ये क्रिया भी व्यवसाय की परिभाषा में आती है। किसी भी प्रिंसेस यानी परिसर में फीस लेकर के एंट्री देना, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी इवेंट आयोजित हो रही है और उस इवेंट के लिए जो है वो एक एंट्री फीस रखती है और उसके बाद भी उसको प्रवेश दिया जाएगा, तो ये भी व्यवसाय की परिभाषा में आती है। ये व्यापारी वृद्धि के संबंध में कोई भी सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। व्यापारी व्यवसाय की वृद्धि के संबंध में कोई सेवाओं का जो आदान प्रदान है वो भी व्यवसाय की परिभाषा में आता है। कोई भी घुड़दौड़ या रेस है आदि आयोजित करने के लिए जो बुक मेकर होता है उसको कोई लाइसेंस प्रदान करने के लिए का जो कार्य होता है वो भी व्यवसाय की परिभाषा में आता है, क्योंकि वहाँ पर जैसे घुड़दौड़ वगैरह लगा तो उसको हिसाब किताब रखने वाला एक बुक मेकर होता है, टोटलाइजर उसको बोलते हैं, तो उसको लाइसेंस प्रदान किया जाता है, तो ऐसे जो लाइसेंस प्रदान करने का कार्य है वो भी व्यवसाय की परिभाषा में आता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी गतिविधि जो कि माल या सेवाओं के आदान प्रदान के संबंध में की जाती है जिसका उद्देश्य लाभ प्रदान करना हो भी सकता है और नहीं भी सकता। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इस व्यवसाय की परिभाषा में सरकार चाहे वो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार दोनों में किसी के द्वारा भी की गई ये एक्टिविटी जो होती है वो भी व्यवसाय की परिभाषा में आती है। जैसे सरकार मान लीजिए एक बात है कि सरकार के यहाँ पर कोई भी रद्दी या कोई भी ऐसे अवशेष उपकरण पड़े हुए हैं और उनको नीलाम करने की कार्रवाई, तो ये भी व्यवसाय की परिभाषा में आएगी, चाहे वो राज्य सरकार करे या केंद्र सरकार करे। नेक्स्ट परिभाषा में एक कैपिटल गुड शब्द आता है, पूंजीगत सामान बार बार यूज किया जाएगा। पूंजीगत सामान का अभिप्राय हम क्या लेते हैं? पूंजीगत सामान से अभिप्राय में मुख्य रूप से दो तत्व होते हैं। एक तो पूंजीगत सामान वह सामान होता है जिसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत कर दिया गया हो। पूंजीकृत करने का मतलब यह होता है कि उसे माल के रूप में लग के संपत्ति की परिभाषा में लिया गया है और उसको जैसे मान लिया मशीनरी खरीदी तो मशीनरी को डेबिट किया गया, नहीं कि परचेजेस को पूंजीकृत कर दिया। और पूंजीकृत करने का अभिप्राय यह है कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता है, तो बुक्स अकाउंट्स में पूंजीकृत कर दिया गया। नंबर दो, दूसरी बात यह है कि उसका उपयोग व्यवसाय के विस्तार या अभिवृद्धि के लिए किया जाता है। और इसके अलावा ऐसे पूंजीगत सामान के ऊपर भी आदान कर जमा का दावा किया गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया है। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है हम आगे की स्थिति में समझेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम बता दें यहीं पर कि भाई जो ऐसा सामान खरीदा गया है उस पर जो टैक्स चुकाया गया है उसकी उसकी जमा मिलती है, यानी जब माल आपूर्ति किया जाएगा तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसमें से घटाया जा सकता है। तो ऐसे पूंजीगत सामान के ऊपर भी इनकम टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आदान कर जमा का लाभ मिलता है। इसके अलावा देखिए आकस्मिक करियो के व्यक्ति कैजुअल टैक्सेबल पर्सन किसे कहते हैं? अपन एक बात जानते हैं कि जब जीएसटी में पंजीयन करवाया जाता है करदाता, उसके बाद उसका कर का भुगतान हो जाता है, पंजीयन के बिना जीएसटी का भुगतान नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति किसी एक राज्य में पंजीयन करा लेता है लेकिन यदि वो अपना व्यवसाय अन्य राज्यों में भी करता है, कभी कभार करता है, तो पंजीकृत तो किसी एक राज्य में है लेकिन वो अपना व्यवसाय किसी दूसरे राज्य में भी कभी कभार करता है, तो वो उस दूसरे राज्य के लिए वो आकस्मिक करियो के व्यक्ति हुआ। एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत उसे सूचना देनी पड़ती है, उसको टैक्स जमा कराना पड़ता है, लेकिन वह है जहाँ पर पंजीकृत नहीं है वहाँ पर आकस्मिक करियो के व्यक्ति के रूप में कर का भुगतान करता है। यह कार्य वो एक प्रधान के रूप में या एक एजेंट के रूप में भी कर सकता है या प्रधान की हैसियत से भी ये कार्य कर सकता है। नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है संयुक्त आपूर्ति, कंपोजिट सप्लाई किसे कहते हैं? आपूर्ति के दो बहुत बड़े रूप होते हैं, उसमें एक तो है संयुक्त आपूर्ति और इसे अगले के है मिश्रित आपूर्ति। ये शब्द बार बार यूज किया जाएगा जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब एक करियोग्य व्यक्ति जो होता है
करियो के व्यक्ति दो या दो से अधिक वस्तुओं यानी करियो की वस्तुएं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करता है और एक से अधिक वस्तु या सेवाओं की स्वाभाविक रूप से व्यवसाय के सामान्य संचालन हेतु संयोजन के तहत आपूर्ति करता है, जिसमें एक आपूर्ति प्रमुख आपूर्ति प्रिंसिपल सप्लाई होती है, तो इसे संयुक्त आपूर्ति करते हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि माल या सेवा की आपूर्ति का ऐसा संयोजन होता है जिसमें एक या अधिक करियोगी वस्तुओं को एक साथ संयोजित करके आपूर्ति की जाती है और उसमें एक आपूर्ति प्रधान आपूर्ति होती है। जैसे आपको एक एग्जांपल के रूप में कहें कि माल की पैकिंग करके उस पर बीमा और भाड़े सहित यानी परिवहन की सेवा देते हुए बीमा और ट्रांसपोर्ट भाड़े से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में एक तो माल है, फिर उसके ऊपर उसको पैकिंग किया गया उसका वे हुआ, उसके बाद में उसके ऊपर भाड़ा उसके बाद इंश्योरेंस का वे हुआ और फिर उसको ट्रांसपोर्ट के रूप में यानी भाड़ा लगा ट्रांसपोर्ट के रूप में उस पर खर्चा हुआ। तो इन चारों चीज़ें जो हैं वो एक साथ हुई, माल फिर पैक फिर बीमा और फिर परिवहन। तो ऐसी जो आपूर्ति होती है जिसको अपन ये कह सकते हैं कि माल बीमा भाड़ा सहित पैकिंग करके उसको ट्रांसपोर्ट किया गया, तो ऐसी आपूर्ति को हम कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि इस संयुक्त आपूर्ति के अंतर्गत सभी प्रकार की आपूर्ति बंधी हुई है, एक साथ नेचुरली बंडल्ड है यानी स्वाभाविक रूप से बंधी हुई है और इनमें एक जो प्रधान आपूर्ति होती है यानी जैसे माल, इसके ऊपर जो कर की दर होती है वही कर की दर बीमा भाड़े और पैकिंग सामग्री पर लगेगी, यानी पूरी आपूर्ति के ऊपर इसी दर से कर का भुगतान होगा। दूसरी बात मिश्रित आपूर्ति है जिसको हम मिक्स सप्लाई कहते हैं। मिश्रित आपूर्ति वह आपूर्ति होती है जो कि एक करयोग्य व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक वस्तुएं सेवाओं को एक ही पैकिंग में ऐसी आपूर्ति दी जाती है। पहली बात यानी वस्तुएं सेवाएं एक से अधिक हैं लेकिन उनको एक साथ पैक किया जाता है। नंबर दो हुआ ऐसी पैकिंग की प्रत्येक वस्तु या सेवाएं स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई नहीं है यानी नॉट नेचुरली बंडल्ड, उनको अलग अलग भी किया जा सकता है लेकिन वो पैकिंग उनकी एक साथ की जा रही है, अर्थात वे स्वतंत्र रूप से भी अगर अपने चाहें तो उनको विक्रय किया या आपूर्ति की जा सकती है। तीसरी बात यह कि जिस पैकी या वस्तु की सेवाएं जो पैकी हुई वस्तु या सेवाओं को एक निश्चित कीमत पर ही मतलब एक ही कीमत के ऊपर उनकी आपूर्ति की जाती है यानी उनको अलग अलग कीमत पर उनकी आपूर्ति नहीं की जाती है, उनको एक साथ मिलाकर के एक ही कीमत पर उनकी आपूर्ति की जाती है। तो तीन इंपॉर्टेंट बात हुई यानी एक से अधिक वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुओं को स्वतंत्र रूप से भी अलग अलग किया जा सकता है लेकिन उनकी कीमत एक ही होती है और वो नेचुरली बंडल नहीं होती है यानी वो अलग अलग की जा सकती है। तो ऐसी आपूर्ति को मिश्रित आपूर्ति कहते हैं और इस प्रकार की आपूर्ति की खास बात यह होती है कि इसके अंदर जिस वस्तु या सेवा की सबसे ज्यादा दर होती है वही दर सभी प्रकार की वस्तुएं सेवाओं की दर होती है। उदाहरण के रूप में हम कहें कि यदि कोई ऐसी पैकिंग की जा रही है जिसमें डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ भी है, जिसमें ड्राई फ्रूट भी है, जिसमें फ्रूट जूस भी है, जिसमें चॉकलेट भी है, जिसमें हैंड वॉश भी है, जिसमें नैपकिन भी है, अब ये सब चीज़ें मिलाकर के किसी एक पैकिंग कर दी, तो ऐसी पैकिंग की जो आप के साथ और उसकी कीमत बता दी कि इसमें 1,000 रुपये या 1,500 रुपये या 2,000 रुपये की एक पैकिंग है कि भाई इस ये इतनी मात्रा में ये चीज़ें हैं और उनकी ये कीमत आपको लगेगी। तो अब ऐसी आपूर्ति को मिश्रित आपूर्ति करते हैं और यहाँ पर जो कर की दर होगी वो इस पैकिंग के अंतर्गत मान लीजिए ड्राई फ्रूट है तो ड्राई फ्रूट की जो टैक्स की दर होगी कर की दर होगी वही दर सभी वस्तुओं के ऊपर लगेगी।
अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात क्या हुई, इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि जैसे संयुक्त आपूर्ति के अंतर्गत जो आपूर्ति थी उनको अलग अलग नहीं कर सकते थे, इनकी अपन अलग 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 करके भी आपूर्ति कर सकते हैं। यद्यपि ऐसा करने पर वो आपूर्ति मिश्रित आपूर्ति नहीं कहलाएगी, मिश्रित आपूर्ति तभी कहलाएगी जब इन सभी वस्तुओं को शामिल करके आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट कंसिडरेशन प्रतिफल। प्रतिफल की एक सीधी सी बात होती है, अपन एक जानते हैं कि जब कोई वस्तु, जैसे एक साधारण भाषा में जब वस्तु बेची जाती है, उसकी आपूर्ति की जाती है, तो उसके बदले जो नकद या अन्य किसी रूप में जो भुगतान मिलता है उसको अपन प्रतिफल कहते हैं, एक साधारण परिभाषा है। लेकिन अगर अपन कानून की परिभाषा में कहें तो ऐसी कोई भी माल या सेवा की पूर्ति पाने वाले व्यक्ति या अन्य व्यक्ति द्वारा जो नकद या अन्य रूप में कोई भी किया गया या किया जाने वाला भुगतान जो होता है वो इसमें शामिल किया जाता है। यानी जो आपूर्ति लेने वाला व्यक्ति होता है उस वो चाहे उसने माल की आपूर्ति की है, सेवा की आपूर्ति की है, उसके बदले जो भुगतान करता है चाहे वो नकद में करे या किसी काइंड के रूप में करे, लेकिन इस प्रकार के भुगतान में सरकार से कोई भी सहायता या सब्सिडी जो मिलती है उसको सम्मिलित नहीं करते। यानी किसी आपूर्ति पाने वाले व्यक्ति ने भुगतान किया, लेकिन सरकार से अगर कोई इस प्रकार की कोई सब्सिडी या सहायता मिलती है तो उसको प्रतिफल की परिभाषा में नहीं लेते हैं, चाहे वो सर ऐसे सब्सिडी केंद्र सरकार से मिले या राज्य सरकार से मिले। किसी अन्य कोई भी ऐसा कार्य जो होता है उसका कोई भी मौद्रिक मूल्य होता है, और इस प्रकार का कोई भी कार्य किया जाए जो कि माल की या सेवा की आपूर्ति के संदर्भ में किया जाए, और ऐसे कार्य का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो भी प्रतिफल की परिभाषा में करते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत हम किसी भी प्रकार के एडवांस या अग्रिम राशि को तो सम्मिलित करते हैं, लेकिन डिपॉजिट्स वो जमा राशि को सम्मिलित नहीं करते। जब तक कि इस प्रकार की डिपॉजिट या जमा राशि जो होती है उसको प्रतिफल की परिभाषा के रूप में आपूर्ति लेने वाले और आपूर्ति देने वाले के द्वारा आपस में ये सहमति प्रदान नहीं कर दी जाती है, तब तक डिपॉजिट को हम प्रतिफल की परिभाषा में सम्मिलित नहीं करते। इसके अलावा एक शब्द होता है जो आती है परिभाषाओं के अंतर्गत, वो माल की सतत आपूर्ति का होता है, और एक अगला है सेवा की सतत आपूर्ति। सतत आपूर्ति का जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब ये होता है कि माल का कभी कभार आपूर्ति नहीं, वो कंटिन्यूस एक निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत उसकी आपूर्ति या रोज या लगातार एक निश्चित समय अंतराल के बाद में उसकी आपूर्ति की जाती है, और एक समय अंतराल के बाद में उसका बीज भी जारी किया जाता है, तो वो आपूर्ति माल की सतत आपूर्ति कहलाती है। यानी किसी अनुबंध के अधीन माल की लगातार या बार बार आपूर्ति करना, और इस प्रकार की आपूर्ति चाहे वो तार केबल या पाइपलाइन से ही क्यों नहीं की जाए। जैसे उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि बिजली की आपूर्ति है तो ये माल की सतत आपूर्ति के लिए लगातार चल रही है, तार है केबल के द्वारा आता है। पाइपलाइन के द्वारा पानी की आपूर्ति है, सतत आपूर्ति है, सतत आपूर्ति का एग्जाम्पल है, तो और समय समय पर इसका बिजली का बिल भी आता है, पानी का बिल आता है, तो इसको हम माल की सतत आपूर्ति कहते हैं। ऐसी सेवा की सतत आपूर्ति भी की जाती है, तो सेवा की सतत आपूर्ति भी किसी अनुबंध के अधीन 3 माह से अधिक के लिए, कम से कम जैसे 3 माह या से अधिक के लिए जो है वो सेवा की सतत आपूर्ति हो, एक निश्चित अंतराल पर आपूर्ति हो और समय समय पर भुगतान का अनुबंध भी किया जाए, तो ऐसी सेवाएँ शामिल होती हैं जो सरकार की अधीन होती। जैसे अपन ये कह सकते हैं जैसे केबल नेटवर्क से जो है वो मान लीजिए सेवा की आपूर्ति की जाती है, वहाँ पर माल नहीं होता सेवा की आपूर्ति की जाती है, तो ऐसी एक निश्चित समय के बाद में, समय अंतराल के बाद में उनका बिल या बिजट भी जारी किया जाता है। तो ऐसी आपूर्ति को हम सेवा की सतत आपूर्ति कहते हैं। ये आज के लिए आपका इतना ही है, ये अपन यहाँ ही समाप्त करते हैं। अगले टर्म में हम आगे की बहुत सी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनकी अपन डेफिनेशंस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।